इस बार की बड़ी खबर तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने अमित शाह को दोनों ही मामलों में क्लीन चिट दे दी है। शाह ने अदालत में कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल की थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। और अहमदाबाद से हमारे सहयोगी निर्णय कपूर फोन लाइन पर हैं। निर्णय, राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी राहत बीजेपी अध्यक्ष के लिए? जी, बहुत बड़ी राहत, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अक्षर को अरेस्ट किया गया था सोहराबुद्दीन मामले में 2010 में, जुलाई 2010 में, तब वो गुजरात सरकार में गृह राज्य मंत्री थे और उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। यही नहीं, 3 महीने के बाद उन्हें गुजरात से ही तड़ीपार कर दिया गया था। गुजरात स्टेट में आने पर उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कोर्ट द्वारा इसी मामले के चलते, और 2 साल तक उन्हें गुजरात से बाहर रहना पड़ा। और उसके बाद जाकर के उन्हें 2 साल बाद गुजरात में आने की परमिशन मिली। एक तरह से उनके पॉलिटिकल कैरियर को ही ये बताया जाता है कि टारगेट किया गया था इस केस के जरिए, क्योंकि पूरी तरह वो आशय पर चले गए थे जब अरेस्ट हुए थे और उसके बाद जब उन्हें गुजरात छोड़ना पड़ा था। लेकिन जब वो गुजरात में वापस आए 2012 में, गुजरात में बीजेपी की जीत हुई, उसके बाद एक बार फिर उन्होंने कमबैक किया। लेकिन उनके ऊपर दाग हमेशा से लगा रहा सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर मामले, दोनों में जिन्होंने आरोपी बनाया गया था। लेकिन आज एक बहुत बड़ी राहत, एक तरह से बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री अमित शाह के लिए, जिसमें दोनों ही केसेस में से, दोनों केसेस जिन्हें की अब ड्रॉप कर दिया गया और एक केस के रूप में चल रहे हैं, दोनों में से ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दूं अमित शाह जी, और मेरे सहयोगी मुंबई से राजीव हमारे साथ इस वक्त हैं फोन लाइन पर। राजीव, कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कहा गया, ये बताएं। देखिए, कोर्ट में सुबह 11 बजे से हियरिंग शुरू हुई थी और तकरीबन अभी 15-20 मिनट पहले ये फैसला आया है, जिसमें दोनों ही मामलों में अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। केस जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है, उन्हें बरी कर दिया गया है दोनों ही मामलों से। लेकिन इसके पीछे वजह क्या रही है वो अभी साफ नहीं हो पाया है। लंच के बाद इस पूरे मामले पर दोबारा जो है जज बैठेंगे और बताएंगे कि आखिर दोनों ही मामले को क्यों डिस्चार्ज किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर सीबीआई चाहे तो वो हाईकोर्ट जा सकती है, लेकिन अगर हाईकोर्ट जाते हैं तो वहाँ 6 महीने का बेल एक्सटेंशन मिल जाएगा अमित शाह को, जो अगर इस लिहाज से भी देखें तो भी अमित शाह के लिए बड़ी राहत की बात है। लेकिन अभी अब 2 मिनट पहले सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें न्यायपालिका का और सीबीआई का सीधे तौर पर इस्तेमाल हुआ है और वो हाईकोर्ट में जाएंगे। जी, जो बात राजीव बता रहे हैं, इस पूरे मामले में नाम हटाया गया है अमित शाह का कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में ये मामले दोनों 2005 के हैं, जिसके बाद अमित शाह का नाम इस मामले में सामने आया और तब से लगातार विरोधियों के निशाने पर रहे अमित शाह। अमित शाह ने अपने डिफेंस में बार बार ये कहा कि एक राजनीतिक साजिश है उनके खिलाफ, और आज कोर्ट का ये फैसला उनके हक में गया है और राजनीतिक रूप से एक बड़ी राहत अमित शाह के लिए। आपको ये पूरा मामला भी बता रहे हैं। सोहराबुद्दीन शेख कौन था? मध्य प्रदेश के झारनिया गांव का रहने वाला था सोहराबुद्दीन, कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा था। उदयपुर, अहमदाबाद और उज्जैन से वो चलाता था गिरोह। जबरन वसूली के कई मामलों में सोहराबुद्दीन का नाम भी सामने आया था। कुछ लोग ऐसा भी दावा करते थे कि पुलिस का वो मुखबिर था। लोगों का दावा था कि पुलिस की मुखबिरी करते करते वो एक अपराधी बन गया और सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर मामले में ही अमित शाह का नाम आया। उस वक्त वो गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे और जब से उन पर आरोप लगे, लगातार उनके विरोधी उन पर इस मामले को लेकर हमला करते रहे। निर्णय कपूर मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, जो बेहतर इस मामले के बारे में बता पाएंगे। निर्णय, 2005 का ये मामला है और तब से, जब से अमित शाह का नाम आया, लगातार वो विरोधियों के निशाने पर रहे। जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि काफी अहम उनका रोल था गुजरात सरकार में, और न सिर्फ अमित शाह बल्कि पूरी की पूरी गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था जब अमित शाह को अरेस्ट किया गया था इस मामले में। मैं आपको बता दूं, उस वक्त तो काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैंडल कर रहे थे इस गुजरात गवर्नमेंट में, नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते रहे हैं हमेशा से ही, और सीधे सीधे उंगली नरेंद्र मोदी पे उठनी शुरू हो गई थी जब अमित शाह अरेस्ट हुए थे और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी की गई थी कांग्रेस द्वारा। उस वक्त जब मुझे याद है, अमित शाह जब अरेस्ट हुए थे उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि
यदि सीबीआई ने कुछ गलत नहीं किया है इस मामले में, और ये उनके वर्ड से मुझे अभी तक याद है कि सीबीआई ने यदि इस पूरे मामले में कुछ गलत नहीं किया है तो वो मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, मेरे खिलाफ कोई चार्जेस फ्रेम नहीं कर सकते, ये कह करके वो सीबीआई के दफ्तर में गए थे और खुद जाके उन्होंने सरेंडर किया था सीबीआई के सामने। बिल्कुल, और आज उनके वही शब्द उनको वो फिर दोहराएंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से एक बड़ी उनको राहत है और कोर्ट ने नाम क्लियर किया है, तो ये एक बड़ी बात अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निर्णय।